नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। एनसीसी किसी परिचय की मोहताज नहीं, सीएम। संविधान दिवस के समापन समारोह के मौके पर एनसीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन आटरे हाउस में किया गया है, जिसमें एनसीसी के कैडेट और सेना के लोग सम्मिलित हुए। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि एनसीसी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, एनसीसी लंबा सफर तय कर देश के संविधान के साथ कदम से कदम मिलाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के ढांचे को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में एनसीसी के 2 बटालियन हजारीबाग और रांची में संचालित है। राष्ट्रीय पेंशन के विरोध में 1 दिसंबर को काला बिला लगाकर काम करेंगे शिक्षक। झारखंड में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू होने की तिथि 1 दिसंबर को सभी सरकारी कर्मचारी काला दिवस मनाएंगे। झारखंड के सभी +2 स्कूल के शिक्षक एनपीएस के विरोध में 1 दिसंबर को काला बिला लगाकर कार्य करेंगे। साथ ही ट्विटर पर भी इसके विरोध में कैंपेन चलाया जाएगा। बता दें, झारखंड +2 स्कूल के शिक्षक संघ ने आंदोलन में समर्थन दिया है। गरीबों के लिए कपड़ा बैंक की शुरुआत। ठंड के मौसम में गरीबों को तन ढकने के लिए वस्त्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कपड़ा बैंक की स्थापना की गई है। बता दें, बेड़ो प्रखंड के खुरहा टोली गांव में रविवार को कपड़ा बैंक द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। कपड़ा बैंक के सदस्यों द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब परिवार के बच्चे, बुजुर्ग पुरुष एवं महिलाओं के बीच 200 कपड़े का वितरण किया गया है। भुइयां जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित करने को स्वीकृति। झारखंड राज्य की भुइयां जाति की उप जातियाँ क्षत्रिय, पाइक, खंडित पाइक, कोटवार, प्रधान मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भुइयां तथा गड़ाही गहरी को भुइयां जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने की स्वीकृति दे दी गई है। घंटी आधारित शिक्षकों के अवधि विस्तार को मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने COVID-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृति पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार 31 मार्च 2021 तक करने संबंधित मंत्री परिषद के लिए संलेख प्रारूप कर अपना अनुमोदन दिया है। आज किसान के पक्ष में चलेगा स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपियन कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देशानुसार 30 नवंबर को किसानों के पक्ष में देश भर में स्पीक अप फॉर फार्मर्स सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव ने रविवार को बताया कि # स्पीक अप फॉर फार्मर्स सोशल मीडिया कैंपेन के तहत सोमवार को सुबह 10 बजे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उराव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी और विभिन्न मोर्चा संगठनों ने नेताओं द्वारा YouTube, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के अन्नदाताओं की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। पाकुड़ में ऑनलाइन कला उत्सव आज, 7,000 बच्चे होंगे सम्मिलित। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 30 नवंबर को ऑनलाइन कला उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनी देवी ने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य स्कूली छात्र छात्राओं की कलात्मक प्रतिभाओं को निखारने व कला को बढ़ावा देना ही है। इस उत्सव में जिले के सभी सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के 7,000 बच्चे भाग लेंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चों में पढ़ने की क्षमता बढ़ाने को चलेगा अभियान। सरकारी स्कूलों के खुलने पर बच्चों के पाठ पढ़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए अभियान चलेगा। राज्य सरकार ने इस बाबत आओ पढ़े खूब पठन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत बच्चों में हिंदी एवं अंग्रेजी के पाठ पढ़ने की क्षमता विकसित की जाएगी, ताकि वे अपनी कक्षाओं के अनुरूप पाठ को पढ़ सके। इस अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों के लिए किताबें पढ़ने के लिए लक्षित कक्षा का संचालन किया जाएगा, जिसमें पठन सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तक, कहानियाँ, आलेख एवं शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराया जाएगा। काउंसलिंग के बाद भी इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली रह गई 8,086 सीटें। राज्य के सरकारी व गैर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2 काउंसलिंग के आधार पर नामांकन के बाद 4,086 सीटें रिक्त रह गई है। इसमें धनबाद स्थित BIT सिंदरी की 133 सीटें भी सम्मिलित है।
वहीं बिनावा भावे विश्वविद्यालय के अधीन संचालित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी 170 तथा दुमका चाईबासा रामगढ़ में भी सीटें खाली हैं। जमीन कारोबारी से मांगी 30 लाख की रंगदारी। रांची के कांके थाना क्षेत्र के अरसंडे निवासी जमीन कारोबारी अवधेश कुमार से रविवार को 30 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। बता दें, प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया सुप्रीमो दिनेश गोप के नाम पर रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी नहीं देने पर फौजी कार्रवाई करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस संबंध में अवधेश कुमार ने कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। झारखंड में 198 नए मरीज मिले हैं, जो रांची से 69, बोकारो से 15, देवघर 7, धनबाद 7, दुमका 7, पूर्वी सिंहभूम 29, गढ़वा 6, गोड्डा 1, गुमला 8, हजारीबाग 6, जामतरा 10, लातेहार 4, पलामू 7, रामगढ़ 3, साहिबगंज 2, सरायकेला 8, सिमडेगा 4, पश्चिमी सिंहभूम 4 मिले हैं। बता दें, झारखंड में कुल एक्टिव केस 2138 है। वहीं राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 963 है। गिरिडीह से 89 गौवंश और बछड़ों को पुलिस ने जब्त किया। गिरिडीह के अहिल्यापुर और गांडे थाना पुलिस ने रविवार की अहले सुबह छापेमारी कर पदनिया मोड़ से 89 गौवंशों और बछड़े से भरा 5 मलवाहक जब्त किया है। हालांकि तीनों के वाहन चालक फरार होने में सफल रहे। गांडे पुलिस अब तीनों वाहनों के नंबर के आधार पर अपराधियों तक पहुँचने के प्रयास में है। झारखंड के खाते से फिर कटौती की नौबत। झारखंड सरकार के आरबीआई खाते से एक बार फिर दामोदर घाटी निगम डीवीसी के बिजली आपूर्ति मद में बकाया राशि कटौती की नौबत आ सकती है। केंद्र सरकार ने 3 माह पूर्व इस मद में झारखंड के खाते से सीधे 1417.50 करोड़ रुपए की कटौती की थी। बता दें, डीवीसी का झारखंड पर बकाया 5608.32 करोड़ है और इसे 4 समान किस्तों में वसूलना है। ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज। केंद्र व झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दुमका जिले में लक्षित 66,000 लाभुकों का ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की मियाद सोमवार को खत्म हो जाएगी। बता दें, दुमका उपचुनाव को लेकर यहाँ लगाए गए आदर्श आचार संहिता के वजह से नई तिथि घोषणा कर ग्रीन कार्ड बनवाया जा रहा है। लालू यादव की बातचीत के ऑडियो की होगी फॉरेंसिक जाँच। रांची पुलिस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चाला घोटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद के ऑडियो प्रकरण की जांच में जुट गई है। पुलिस ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच कराएगी। इसके लिए बरियातू पुलिस एसएसपी को आवेदन देगी। एसएसपी से अनुमति मिलने के बाद ऑडियो क्लिप को जांच के लिए भेजा जाएगा। इस मामले में पुदांग निवासी भाजपा नेता अनुराग अशोक ने बरियातू थाना में लालू प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। रोजगार के लिए चल रहा अभियान हो सकता है फेल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए चल रहा दूसरे चरण का अभियान फेल हो सकता है। रोजगार देने के साथ साथ योजनाएं लेने और उन्हें पूर्ण करने में विभाग की प्रगति अच्छी नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग के लगातार निर्देश के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। बता दें, पहले चरण के अभियान के अच्छे परिणाम के बाद दूसरा चरण का अभियान 23 अक्टूबर से शुरू किया गया है, जिसे 31 दिसंबर तक चलना है। लेकिन एक महीने की स्थिति देखने के बाद विभागीय सचिव ने कार्य के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने रोजगार देने के साथ योजनाएं पूर्ण करने की दिशा में तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।